वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं सूजी से बना बहुत ही हेल्दी नाश्ता शेयर कर रही हूँ। इसे आप उत्तपम, पैनकेक कुछ भी कह सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की है ताकि ये वेट लॉस के लिए चीला काम आए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी को, फाइन वाली सूजी ली है मैंने, बारीक वाली सूजी, और इसे भिगो दिया है 15 मिनट के लिए 2 कप पानी में ही। इसी में मैं, ये मेरे पास बेसन और कॉर्न मील दोनों का मिक्सचर है। कॉर्न मील यानी भुट्टे का पाउडर और बेसन दोनों का पाउडर है, ये 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में कॉर्न मील नहीं है तो आप सादा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं कटी हुई, बारीक कटी हुई पालक ऐड कर रही हूँ, वो भी 1 कप है, और एक मैंने प्याज को चॉप किया है, और थोड़ी सी कोथमीर फ्रेश काट के इसमें, हरा धनिया वो भी काट कर ऐड कर रही हूँ। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा कम तेल में बनेगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। इसमें मैं दरदरी पिसी हुई हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन दरदरी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में मैं इसमें क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें कलर के लिए हल्दी ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। तो ये मल्टीग्रेन होने के साथ साथ इसमें स्पेनेज भी है, तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसके साथ में मैं इसमें 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने से ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा इंस्टेंटली। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले। तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने सूजी में पानी मिलाया था वही काफ़ी हो गया, और स्पिनच का भी पानी रिलीज़ होगा, तो मैं इसमें पानी और ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसे मिला के इसी तरीके से 10 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट करने के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए ढक के। यहाँ पर मैंने पैन को थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऐसा करना बहुत करने से इस पैनकेक या उत्तपम जो भी आपके हैं बहुत क्रिस्पी बनेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था पैन पे ताकि ये चिपके नहीं। अब मैंने थिन सी एक लेयर लगा दी है इसकी, मिक्सचर की, और डालने के 5 मिनट के बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है वरना ये एक तरफ अच्छे से पक जाएगा और दूसरी तरफ कच्चा रहेगा। थोड़ा सा तेल मैंने डाल दिया है, ये 1/2 टीस्पून से भी कम तेल है। अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी, इसी स्टेज पर फ्लिप करना है वरना ये एक तरफ पक जाएगा और दूसरी तरफ कच्चा रहेगा। अब इसे इसी तरीके से फ्लिप करते हुए पकाना है जब तक ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन ना, गोल्डन कलर का ना हो जाए और इस तरीके से क्रिस्पी ना हो जाए। तो बहुत ही कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। कितना क्रिस्पी है देख सकते हैं आप। इसी तरीके से मैं दूसरे पैनकेक्स भी बना लूँगी। अगर आप इसे स्पॉन्जी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी थिन लेयर डाल दें। अब इस पर भी थोड़ा सा तेल अप्लाई करूँगी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कम तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसे भी इसी तरीके से सेम मैं बना लूँगी जिस तरह से हमने पहला बनाया था। तो इसमें पालक है, कॉर्न मील है और बेसन है, इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तो आप ये वेट लॉस के लिए पैनकेक खा सकते हैं। सुबह में 3 पैनकेक खा लेंगे आप तो आपको दोपहर तक भी भूख नहीं लगेगी, और स्पिनच होने की वजह से इसमें आयरन की भी ऐड हो जाएगा स्पिनच से। तो अगर आपको मेरा ये मल्टीग्रेन स्पिनच पैनकेक या उत्तपम कह सकते हैं आप, या इसे आसान भाषा में बोल दें तो आप इसको सूजी चीला भी कह सकते हैं, अगर आपको मेरा ये टेस्टी और आसान क्विक नाश्ता बन गया है अगर आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और ऐसे ही यूज़